लगभग 50,000 की संख्या वाली अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जालौर पर हमला कर दिया था। उस समय महाराज कानड़देव के पास मात्र 5,000 की सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मौजूद थी। ऐसे में अपनों का धोखा और अंत समय तक अपनी बहादुरी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले जालौर के महाराज की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये कहानी अपने साथ एक ऐसे वीर को भी लिए हुए है जिस पर खिलजी की बेटी का दिल आ गया था, लेकिन उन्होंने दुश्मनों से हाथ न मिलाकर युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त करना ज़्यादा बेहतर समझा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जालौर के युद्ध का इतिहास, जिसमें अपनों का धोखा देना बना हार की एक बड़ी वजह। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूतों की स्वतंत्रता खत्म करने का फैसला कर लिया था। इस स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए उसने राजपूताना राज्यों पर हमला शुरू कर दिया। इसी क्रम में सुल्तान ने हमीरदेव चौहान को हरा दिया। उन्हें हराने के साथ ही उसने रणथंबोर किले पर अपना कब्जा जमा लिया। यह रणथंबोर का युद्ध था जब खिलजी ने किले को अपने अधिपत्य में ले लिया। उसके कदम अभी यहीं नहीं रुके, उसने इसके बाद सिवाना किले पर भी कब्जा कर लिया। यह उसने सिवाना युद्ध में महाराज सूतलदेव को हराकर प्राप्त किया था। खिलजी लगातार युद्ध जीत रहा था। इन दोनों किलों पर अपने नाम का झंडा फहराते हुए वह आगे जालौर की तरफ अपनी सेना के साथ बढ़ा। पहले अलाउद्दीन ने अपनी सेना को जनरल उलू खान और नुसरत खान के नेतृत्व में गुजरात पर विजय पाने के लिए भेजा। उसकी इस भेजी हुई सेना ने रुद्र महालय और सोमनाथ मंदिर को बर्बरतापूर्ण तरीके से लूट लिया। इसके अलावा उन्होंने सोमनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग को ध्वस्त कर दिया और उसे कई टुकड़ों में तोड़ दिया। उसकी सेना इन शिवलिंग के किए हुए टुकड़ों को लेकर जब वापस जा रही थी, तब इस बात की खबर महाराज कानड़देव को पड़ी, तो उन्होंने इस पर तुरंत कार्यवाही का फैसला लिया। जब सैनिक दिल्ली के रास्ते में ही थे, तब महाराज कानड़देव ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उसकी सेना को हरा दिया। महाराज ने सैनिकों को हराने के बाद उनसे शिवलिंग के टुकड़ों को छीन लिया और उन्हें अपने साथ जालौर ले गए। वहां जाकर उन्होंने उन शिवलिंग के टुकड़ों को गंगाजल से धोया और तत्पश्चात उन टुकड़ों को जालौर के मंदिर में स्थापित कर दिया। इन सब चीज़ों के पीछे एक और युद्ध छिपा हुआ था। अगर कानड़देव प्रबंधन द्वारा लिखित पद्मनाभन के अनुसार कानड़देव के पुत्र वीरमदेव युद्ध के समय सुल्तान के कोर्ट में मौजूद थे। इसके बाद सुल्तान ने अपने कोर्ट में महाराज को बुलाया। इस निमंत्रण के बाद कानड़देव ने अपनी जगह अपने बेटे वीरमदेव को कोर्ट में भेजा। सुल्तान ने उन्हें मारने के लिए षड्यंत्र रचा। अपने षड्यंत्र के अनुसार उन्होंने पंजा प्रतियोगिता के दौरान उन्हें मारने का प्लान बनाया। सुल्तान ने पंजा लड़ाने की एक प्रतियोगिता रखी। उसे लगा कि वह प्रतियोगिता में उन्हें हरा देगा, लेकिन वीरमदेव ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली थी। उन्होंने पंजा प्रतियोगिता में सामने वाले प्रतिद्वंदी को हरा दिया। वीरमदेव को देखकर खिलजी की बेटी राजकुमारी फिरोजा को उनसे प्यार हो गया। वह उनकी बहादुरी की कायल हो गई। दोस्तों आपको बता दें, राजकुमारी फिरोजा सुल्तान की बेटी थी, लेकिन सुल्तान की बेगम से नहीं, वह हरम की एक वेश्या और उसकी बेटी थी। अपनी बेटी की इच्छा जानने के बाद सुल्तान ने वीरमदेव को अपना दामाद बनाने के बारे में सोचा। अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर वह वीरमदेव के पास पहुंचा, लेकिन वीरमदेव ने इस प्रस्ताव को सुनते ही ठुकरा दिया। इस तरह वह पहले से और भी ज़्यादा झल्ला गया। वह पहले से जालौर पर कब्जा जमाने के लिए युद्ध की फिराक में था। अब तो वीरमदेव के प्रस्ताव ठुकराने के बाद उसे एक और बहाना मिल गया। सन 1310 में अलाउद्दीन ने अपनी सेना जालौर में आक्रमण के लिए भेज दी। दिल्ली से भेजी गई सेना ने शुरुआत के 7 दिनों में अनेकों बार किले की सुरक्षा को तोड़ने का प्रयास किया। लगातार हो रहे इन हमलों से कानड़देव, उनका भाई मलादेव और बेटा वीरमदेव कहीं ना कहीं झुंझला उठे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन 8वें दिन उन्होंने एक बार खिलजी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके जवाब में खिलजी ने इस बार और अधिक संख्या में सेना भेजी। इस सेना का नेतृत्व कर रहा था मलिक कमाल अल्दीन गुर्ग। इसे खिलजी के सबसे बेहतरीन जनरल में से एक माना जाता था। प्रबंध के अनुसार
खिलजी की सेना से निपटने के लिए महाराज ने दो दलों में अपनी सेना को बांट दिया था। पहला दल मलादेव के नेतृत्व में वदी की ओर तैनात हो गया, दूसरा दल वीरमदेव के नेतृत्व में भद्रुजन में युद्ध के लिए तैनात हुआ। दोनों के नेतृत्व में गठित दलों ने वापस दिल्ली की सेना को धीमा कर दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों में कमाल अल-दीन की सेना जालौर में प्रवेश करने में सफल हो गई। ऐसे में अंततः महाराज को दोनों दलों को वापस जालौर बुलाना पड़ा। उन्हें विचार विमर्श करने के लिए मलादेव और वीरमदेव को बुलाना पड़ा। कमाल अल-दीन ने कई किलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके साथ ही उन्होंने ब्लॉकेड करना भी शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति नाकामयाब हो गई। इसकी एक बड़ी वजह थी असमय बरसात का होना और साथ ही महाराज को साहूकारों द्वारा दी गई मदद। माना जाता है कि जालौर में महाराज की हार का कारण एक धोखेबाज सहायक था। दरअसल धैया राजपूत बीका ने महाराज के सारे भेद जाकर दुश्मनों को बता दिए। वो कहते हैं ना, घर के भेदी लंका ढाए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीका के इस धोखे की वजह से जालौर को खिलजी ने अपने कब्जे में कर लिया। दुश्मनों ने बीका से यह कहकर मदद ली थी कि अगर वह उनकी मदद करता है तो वे उसे जालौर की राजगद्दी पर बिठा देंगे। सत्ता के लालच में उसने उन्हें किले के सभी रास्तों के भेद बता दिए। जब बीका की पत्नी हीरा देवी को इस बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गई। अपने पति द्वारा अपने ही लोगों को धोखा देने की बात वह गले नहीं उतार पाई। उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी और कानड़ देव को अपने पति द्वारा दिए गए धोखे से अवगत कराया। लेकिन जब तक उन्हें इस बात की खबर लगी तब तक दुश्मन पहुंच चुके थे, और इस प्रकार महाराज कानड़ देव अपने ही लोगों से मिले धोखे की वजह से हार गए। जिसके बाद महल की सारी महिलाओं ने जौहर में अपनी जान त्याग दी। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार घुसपैठियों ने महल में मौजूद कानास्वामी मंदिर में पहुंचने में 5 दिन लगा दिए। महाराज और उनके आखिरी 50 सैनिक मंदिर की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, यह था जालौर के महाराज कानड़देव की वीरता का इतिहास। वीडियो के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।